इधर जालौन पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। इसी ऑपरेशन के तहत 25,000 रुपए के 3 अंतरजनपदीय बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को शॉर्ट एनकाउंटर करते हुए गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरे ने मौत के डर से आत्मसमर्पण कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। बदमाशों के पास से 3 तमंचा, कारतूस, 8,000 रुपए नकद, साथ ही 2 बाइक बरामद की गई है। आज पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ के बाद विपिन कंजर गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। ये गैंग आज जिले में कोई वारदात करने आया था। आटा पुलिस और सर्विलेंस व SOG को इसकी सूचना मिली। इस सूचना पर उन्होंने वर्क किया। इस गैंग का पीछा किया गया। गैंग ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में इस गैंग के 2 सदस्य घायल हुए, उनको उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। वो आउट ऑफ डेंजर है। आगे की विधिक कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है। सर, इन बदमाशों के खिलाफ किस किस जनपद में मुकदमे दर्ज हैं? ये दुर्दांत अपराधियों का गैंग है, ये कंजर गैंग, और इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। ये लूट, हत्या और चोरी जैसी वारदातें करते हैं और इनके ऊपर हमारे जिला जालौन की ओर से, क्योंकि ये वांछित चल रहे थे, अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए थे, इनके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित हुआ।